नमस्कार, मैं सुकृति रॉय बोल्ड स्काई में आपका स्वागत करती हूँ। कई बार हम सभी के मन में नकारात्मक विचार आते हैं, कई बार हमारा मन बुरी भावनाओं के घेरे में आ जाता है। ऐसे में आप जरूर सोचते होंगे कि इस तरह के अजीबोगरीब विचार आने का क्या कारण है। तो हम आपको बता दें कि हमारी राशियों के आधार पर हमारा मन दुख भरी स्थिति में इस तरह से करता है रिएक्ट। मेष राशि के लोगों को सदैव मौत की चिंता रहती है। ये कई बार मौत से जुड़े विचारों के बारे में भी सोचते हैं, फिर चाहे इनकी खुद की मौत हो या किसी परिजन की। वृषभ राशि स्टॉकर्स होते हैं, फिर चाहे इनका रिश्ता अपने एक्स से खत्म हो गया हो, ये उन्हें स्टॉक करना नहीं भूलते। बात करें मिथुन राशि की, तो मिथुन राशि पर विश्वास नहीं किया जा सकता, कारण ये झूठे होते हैं और सुविधानुसार कहानियां रच लेते हैं। कर्क राशि के लोग जुनूनी होते हैं, ये अपनी भावनाओं को काबू नहीं कर पाते और जिनसे प्यार करते हैं उन्हें भी इन रिश्तों में घुटन महसूस होने लगती है। सिंह राशि के लोग केंद्र में रहना पसंद करते हैं और यही कारण है कि वो औरों को फील कराते हैं कि वो सबसे बेहतर हैं। कन्या राशि के लोग व्यक्तिगत भावनाओं को किसी के सामने जाहिर नहीं कर पाते और ओवरथिंक करने की बुरी आदत से ग्रसित होते हैं। तुला राशि के लोग हमेशा उत्सुक रहते हैं और जानने की चाह रखते हैं कि उनके आसपास क्या हो रहा है। वृश्चिक राशि वाले लोग चोट लगने पर बदला लेने की प्रवृत्ति रखते हैं और हर संभव कोशिश करते हैं कि उनका बदला पूरा हो सके। धनुराशि के लोग दुखी होने पर खुद को सबसे अलग कर लेते हैं और किसी भी तरह की भावना को अपने ऊपर हावी होने नहीं देते, न ही किसी तरह का रिएक्शन देते हैं। वहीं बात की जाए मकर राशि की, तो इन राशि के लोग इतने हद तक दुखी होते हैं कि वो दुख पहुंचाने वाले अपने प्रियजन को मारने तक के बारे में भी सोच लेते हैं। कुंभ राशि वाले अपने दुख को नहीं संभाल पाते और उन्हें हमेशा किसी करीबी के मरने का डर होता है। मीन राशि के लोग हमेशा अपने ख्वाबों की दुनिया में ही रहते हैं, उन्हें लगता है कि दुखों के कारण उनके व्यक्तित्व में निखार आएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, ऐसी कई अन्य जानकारियों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।